आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के गद्य खंड का सातवां चैप्टर, जिसका नाम है ओ सदा नीरा, जिसको लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी ने। इस पार्ट में जो भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, वे सारे प्रश्न को देखेंगे अच्छे से, एक एक करके हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझाते हुए सारा चीज़ चलेंगे। फिर लास्ट तक में जितने क्वेश्चन आएंगे सारा चीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में अगर पूछी जाती है तो ज़्यादा चांस रहे कि लेखक के बारे में ही ज़्यादा चांस है कि वही चीज़ पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो सबसे पहले वही चीज़ जानेंगे, तब जाके वास्तुनिष्ठ प्रश्न को देखना स्टार्ट करेंगे, ऐसे सारे प्रश्न को देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ओ सदा नीरा, इसको लिखे कौन है, लेखक कौन रहते हैं, जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 को, वही इनका निधन हुआ है 14 मई 1978 को। इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे चार जो ये पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये सारा चीज़ याद कर लीजिए। इनका जन्म स्थान है खुर्जा, बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के खुर्जा में ये जन्म लिए थे, इनका जन्म स्थान है। उसके बाद देखिए इनके बारे में, ये जो ओ सदा नीरा पाठ के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है वो चीज़ पहले देखिए। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर उसके किनारे बसे संस्कृति और जीवन की झांकी पेश करते हैं। मतलब जो यहाँ पे गंडक नदी है उसके किनारे जो संस्कृति बसी है, उस जो जीवन बसी है उसकी एक झांकी पेश करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे ओ सदा नीरा पाठ के माध्यम से वो बतलाते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको इसका सारांश चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल में आपको पढ़ना है, हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है, इंग्लिश 100 मार्क्स भी पढ़ना है, तो उसके लिए एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप सारा चीज़ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक चीज़ अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ग्रामर भी साथ में इंक्लूड रहेगा, तो वहाँ से कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का दिया हुआ है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तो है, लेकिन इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, क्या चीज़, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि ये निबंध है, ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है, जैसे कहानी कविता होती है वैसे ही ये निबंध है। इसको लिखे कौन है, देखिए नामवर सिंह तो नहीं लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी भी नहीं लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर सही आंसर हो जाएगी। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर जी। देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था, तो 18 जुलाई 1919 को नहीं, 17 जुलाई 1918 को नहीं, 16 जुलाई 1917, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए क्या है, और इनका तीसरा यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या चीज़, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, उनका निधन जो हुआ था कब हुआ था, 14 मई 1978 को। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा ये चीज़, 14 मई 1978 को। अब चलिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो हम लोग आपको पहले ही बता चुके थे, 14 मई 1978 यहाँ पे है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, 14 मई 1978 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए चार नौ क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान इनका कहाँ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलंदशहर खुर्जा, बुलंदशहर जिला में, मतलब बुलंदशहर जिला में इनका जो है जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन डी। ये क्या हो गया, यहाँ पे चार क्वेश्चन जो था बिल्कुल राइटर्स रिलेटेड था, मतलब लेखक के बारे में ये प्रश्न थे, और इसमें से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए पांचवा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, तो इसको लिखे कौन है, तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी, राजेंद्र प्रसाद ने। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है, तो ये यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़, आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है, बाकी सारा चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा चीज़ जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। अब बात आती है आषाढ़ का एक दिन, ये जो है किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा ये जो है एकांकी लिखा गया है अब यहाँ पे आषाढ़ के दिन। और यहाँ पे क्या है, लोहा सिंह, ये भी लिखा गया है किसके द्वारा, ये लिखा गया है रामेश्वर सिंह कश्यप के द्वारा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ याद करना कि लोहा सिंह को कौन लिखे हैं,
तो ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, बस आंसर ऑप्शन बी ये याद रखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया, इसको प्रारंभ कौन करवाया था, रामबृज बेनीपुरी बिल्कुल नहीं, नागार्जुन बिल्कुल नहीं, रामधारी सिंह दिनकर नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगी। देखिए 8-9 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको यहाँ पे लिखे कौन है, रामेश्वर सिंह कश्यप नहीं, उसके बाद यहाँ पे अगला जो आती है जितेंद्र सहाय नहीं, मोहन राकेश नहीं, जगदीश चंद्र माथुर, यहाँ पे 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे 9-9 क्वेश्चन में बोला जा रहा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह जो लाइन है किस पाठ से आया है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह जो है किस पाठ में आया है, तो ये आया है ओ सदानीरा में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगी। चलिए 10-9 क्वेश्चन देखिए क्या है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो इनको देखिए कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है वो जानिए, इनको मिल चुका है बिहार क्या चीज, बिहार राजभाषा पुरस्कार, कालिदास अवार्ड, विद्या और यहाँ पे विद्यावारिधि की उपाधि भी इनको मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे इनका जो है ये नहीं मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है, बाकी सारा चीज़ मिल चुका है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जगदीश चंद्र माथुर जी को नहीं मिला है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन में अब यहाँ पे बोला जा रहा है किस पाठ में आया है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है, तो यहाँ पे ये जो है कहाँ से आया है, तो ये जो है आया है किस पाठ से, ओ सदानीरा से, ऑप्शन नंबर डी। देखिए चंपारण का जब भी बात किया जाए तो उस समय यहाँ पे आप सिंपल समझ लीजिए ओ सदानीरा से ही वो चीज़ है, क्योंकि ओ सदानीरा में चंपारण की भूमि के बारे में बात किया गया है, काफ़ी अच्छे से बात किया गया है इसमें, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए अगला क्या है, 12वां क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, इसको लिखे कौन है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर जी ने, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिला के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो, यह जो है किसने कहा है, तो यह कहे हैं महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ये आप सिंपल याद रख लीजिए, 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी। शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और उसका चरित्र जो निष्कलुष हो, यह जो है किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 14वां क्वेश्चन में राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो किसका मुकाबला करना पड़ा था, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन ए 14 का सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है 2019 में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसको क्लियर अच्छे से याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगी। 15वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सी कृति माथुर जी की है, कौन सी कृति जो है यहाँ पे माथुर जी की है, देखो यहाँ पे जानवर और जानवर कहानी, नई कहानी और यायावर की याद रहेगा, ये सब जो है इनकी रचना नहीं है, माथुर जी की रचना है भोर का तारा, यहाँ पे ऑप्शन डी 15 का राइट आंसर हो जाएगी। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया था, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी बिल्कुल नहीं, श्री कृष्ण सिंह ने बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने, जगदीश चंद्र माथुर ने। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 तस्वीरें के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, इसके रचनाकार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग 17 क्वेश्चन को देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट था, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिए, बाकी जो है जितने भी पार्ट हैं मतलब 6 चैप्टर तक का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए, आगे भी जो वीडियो आएगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर हर एक चीज़ देखते हुए चलेंगे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताएं, और एजुकेशन बाबा ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।